नमस्कार, मैं हुशमानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी। अब बिहार सरकार इन 129 विषयों की पढ़ाई के लिए देगी लोन। सीएम नीतीश का निर्देश, जल्द दें किसानों की क्षति का मुआवजा। अब सरकारी स्कूल के बच्चे को भी मिलेगी डायरी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल 21 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की इस बैठक में अलग अलग विभागों के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। सैप में कार्यरत कुल 3,953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पद, प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 22 प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित कुल 1,420 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के पदों को प्रत्यर्पण किया गया है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के कुल 1,420 पदों के सृजन की स्वीकृति सहित कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। साउथ रेलवे ने अप्रेंटिस के 3,090 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। साउथ इंडियन रेलवे ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 3,090 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ट्रेड में ITI या 10th या 10+2 पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब बिहार सरकार इन 129 विषयों की पढ़ाई के लिए देगी लोन। बिहार सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। बिहार सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को मिलने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा में कोर्स की बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में बिहार सरकार की तरफ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल 42 कोर्स के लिए लोन मिलता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग के इस ठोस कदम के बाद 87 नए कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद इन विषय की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके बाद कुल 129 कोर्स की पढ़ाई के लिए लोन मिल सकेगा। नए कोर्स के तहत मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन BEd DLed, MSc स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर सहित वोकेशनल कोर्स में मेडिकल इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, ITI और स्किल संबंधी तमाम विषय शामिल होंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अब्दुल गफूर की। अब्दुल गफूर बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी और राजीव गांधी की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म गोपालगंज जिला बिहार, भारत के एक छोटे से गांव के कृषि परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गृह जिले से पूरी करने के बाद पटना चले गए और बाद में उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ का सफर तय किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें जेल में भी जीवन व्याप्त करना पड़ा। 1918 में जन्मे अब्दुल गफूर का 10 जुलाई 2004 को पटना में निधन हो गया। बिहार में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू पीड़ित की संख्या राज्य में लगातार बढ़ रही है, जिसमें सबसे अधिक राजधानी पटना में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में डेंगू से करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू को लेकर जारी अलर्ट के बाद भी कई अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई विशेष प्रबंध सामने नहीं दिखता। डेंगू की रोकथाम के लिए अलग अलग जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, जो प्रायः दिन में ही काटते हैं। इससे बचने के लिए मच्छरदानी या एंटी क्रीम तथा पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े ही प्रयोग करें। बच्चों को भी स्कूल भेजने के पहले फुल शर्ट, फुल पैंट, जूता आदि अवश्य पहनाएं। अपने आसपास वर्षा का पानी जमने ना दें। ऐसे जगहों पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहें।
बिहार पुलिस को अगले माह तक मिल सकते हैं नए सिपाही और दारोगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दारोगा और सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया विलंब पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अब उम्मीद है कि नया स्टाफ की उपलब्धता से बिहार पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रशिक्षण प्राप्त दारोगा और सिपाहियों से एक सप्ताह के अंदर चरित्र सत्यापन और मेडिकल जाँच का रिपोर्ट मांगा है। इसके बाद बिहार पुलिस को जल्द ही 10,000 से अधिक नए सिपाही और दारोगा मिल जाएंगे, जिसमें अगले माह तक 8,415 सिपाही और करीब 2,213 दारोगा व सार्जेंट अपना योगदान देना शुरू करेंगे। सीएम नीतीश का निर्देश, जल्द दें किसानों की क्षति का मुआवजा। इस बार मानसून में पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से बिहार के कई जिले सूखे की जद में आ गए हैं। खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर जिले के प्रखंड, पंचायत, गाँव और टोला स्तर पर फसल नुकसान का आकलन कराया जाए, इसके अनुसार प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराएं। सीएम ने कहा कि अक्टूबर माह में भी अधिक बारिश के कारण फसल क्षति की जानकारी मिली है, ऐसे में किसानों का भी आकलन कराकर उन्हें सहायता दें। जिन किसानों का डीजल अनुदान बकाया है उन्हें भी इसका शीघ्र भुगतान करें। लौरिया नंदनगंज इस वजह से है बेहद खास। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया से 14 मील की दूरी पर स्थित लौरिया नंदनगंज में सम्राट अशोक का सुरक्षित एक स्तंभ है। यहाँ एक बड़े स्तूप का भग्नावशेष और कुछ पुरानी समाधि के टीले भी हैं। यहाँ स्थित अशोक का स्तंभ 32 फीट और 9.5 इंच लंबा है, जिसके निर्माण हेतु बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही स्तंभ के शीर्ष पर एक गोलाकार अबेकस है जिस पर सिंह की मूर्ति है। कलगी पर दाना चुगते हुए राजहंस की पंक्ति लिखी चित्रित है। अशोक स्तंभ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में एक टीला स्थित है, जिसे नंदनगढ़ कहा जाता है, जो कि एक विशाल स्तूप का अवशेष है। लौरिया नंदनगढ़ एक प्रकार का प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसे देखने आप भी जरूर जाएं। सड़क बनने के साथ ही उसकी मरम्मत की प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार का पथ निर्माण विभाग सिर्फ सड़कों के निर्माण में ही नहीं बल्कि उसके रख रखाव और मरम्मत पर भी उतना ही ध्यान देगी। इसी कड़ी में ग्रामीण कार्य विभाग राज्य की ग्रामीण सड़कों को हर हाल में बेहतर बनाए रखने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें विभाग ने यह तय किया है कि सड़क निर्माण होने के 4 साल बाद ही उसके मरम्मत के लिए DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि सड़कें ज्यादा जर्जर ना हो। दरअसल मौजूदा नीति के अनुसार सड़कों के निर्माण के साथ ही 5 साल तक एजेंसियों को सड़क का रखरखाव करना होता है। इसके बाद एजेंसियों के जिम्मे से हटने के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरते काफी वक्त लग जाता है और सड़कें जर्जर हो जाती हैं। इसी के मद्देनजर अब विभाग ने यह तय किया है कि इस अवधि के बीतने के पहले ही उन सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब सरकारी स्कूल के बच्चे को भी मिलेगी डायरी। अब प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल के बच्चे को भी अपना होमवर्क मेंटेन करने के लिए डायरी मुहैया कराया जाएगा। इस डायरी में बच्चे अपना होमवर्क नोट कर सकेंगे, साथ ही टीचर इस पर बच्चे के प्रदर्शन को इसी डायरी पर दर्शाएंगे। सरकारी स्कूल के बच्चे भी नियमित पढ़ाई करें, इसका रिकॉर्ड हो, इसके लिए स्कूल डायरी दी जाएगी। आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार स्कूल डायरी सभी 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाएगी। वहीं अगले चरण में 9वीं से 12वीं तक के लिए यह व्यवस्था शुरू होगी। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्या अपने फैंस के उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी पटना पायरेट्स? प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 7 अक्टूबर से कबड्डी प्रेमियों को एंटरटेन कर रहा है, लेकिन बिहारी कबड्डी प्रेमियों को पटना पायरेट्स की तरफ से लगातार 2 बार से निराशा ही हाथ लग रही है। लगातार 2 मैचों में पटना पायरेट्स को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पटना पायरेट्स अब 15 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स से 2-2 हाथ करने को तैयार है। बता दें कि 9 अक्टूबर को पटना पायरेट्स का पहला मैच पिंक पैंथर जयपुर के साथ था। इस मैच में 35-30 स्कोर से पटना पायरेट्स को हार मिली थी। फिर 11 अक्टूबर को तेलुगु टाइटंस के साथ मैच में पटना पायरेट्स को 21-30 के स्कोर से हार मिली थी और अब 15 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स से 2-2 हाथ करने को तैयार है। बच्चों को करियर की जानकारी देने के लिए ट्रेंड किए जाएंगे शिक्षक। 9वीं से 12वीं के बच्चों को कैरियर संबंधित जानकारी देने को कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके लिए राज्य के कुल 9,283 स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाना है, लेकिन इससे पहले बच्चों को कैरियर की जानकारी देने के लिए शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा।
दरअसल विभागीय समीक्षा में यह मामला सामने आया था कि 10 से अधिक जिलों में 10 फीसदी से भी कम बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम की पहुंच बच्चों तक हो, इसके लिए विभाग ने हर स्कूल के एक एक शिक्षक को ट्रेंड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक का चयन किया जाएगा और प्रत्येक जिले से चयनित 76 टीचर की ट्रेनिंग राज्य स्तर से कराई जाएगी। एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर छापा के बाद 15 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के 8 ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई के छापे के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट के डिजाइनर हसनैन खान ने आईजी सुरेश चौधरी को एसपी ऑफिस व आवास में तैनात पुलिस कर्मियों की भूमिका की जाँच को कहा है। इसके साथ ही आईजी सुरेश चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है और उनके खिलाफ जाँच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि 2014 में आईपीएस अधिकारी बनने के बाद दयाशंकर एसडीपी जगदीशपुर और भोजपुर में रहे हैं। इसके बाद शेखपुरा और फिर पूर्णिया में बतौर एसपी पोस्टिंग हुई। इस दौरान उन पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोप दाखिल है। 7 साल लंबित बहाली पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों को दिया सख्त निर्देश। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 जनवरी 2015 को केंद्रीय बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ एवं आईटीबीपी में 62,390 सिपाही की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें बची हुई 7,052 पदों पर बहाली प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसकी शिकायत की गई थी। जिसके बाद जस्टिस मोहित कुमार शाह ने इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को चेतावनी दी है और कहा है कि 4 जनवरी 2023 तक बहाली ले लिया जाए। एंट्री एनिमल घोषणा पर निकाय चुनाव प्रत्याशी पर भड़की मेनका गांधी। मुजफ्फरपुर निकाय चुनाव में आवारा कुत्तों से लोगों को छुटकारा दिलाने का वादा करना एक प्रत्याशी को महंगा पड़ गया है। इस मामले में मेनका गांधी ने हस्तक्षेप किया है। मेनका गांधी के बारे में आपको बता दें कि यह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जानवरों के संरक्षण और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने का काम करती हैं। इन्होंने प्रत्याशी के उस दावे वाले पोस्टर पर हस्तक्षेप किया है, जिसमें वो प्रत्याशी जनता से वादा कर रहा है कि जीतने के बाद वो शहर के आवारा कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर फेंकवा देगा। जिसके बाद पोस्टर की तस्वीर किसी ने मेनका गांधी को सोशल मीडिया पर टैग करके पोस्ट की थी। बार बार शिकायत मिलने के बाद मेनका गांधी ने प्रत्याशी के पति को फोन किया और घोषणा पत्र बदलने को कहा। फिलहाल प्रत्याशी पति ने उस वादे को घोषणा पत्र से हटाना स्वीकार कर लिया है। एक या दो स्थानों पर बारिश की है संभावना। बिहार में मॉनसून जाते जाते अपनी मेहरबानी दिखा रहा है। जब मॉनसून की शुरुआत हुई तो बारिश में कमी देखी गई, लेकिन मॉनसून की विदाई पर पूरे प्रदेश में बारिश हो रही थी। वहीं दूसरी ओर उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को एक या दो स्थानों पर ही बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। बेमौसम बरसात के बारे में मौसम विभाग द्वारा कहा गया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है, जिसमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और देश के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक बारिश ऐसा कहर बरपा रही है कि अक्टूबर के महीने में जून, जुलाई और अगस्त जैसा मंचर नजर आने लगा। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी हो रही आफत की बारिश की वजह से बिहार के उत्तरी भाग के जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ भाजपा 17 अक्टूबर को देगी धरना। बिहार में निकाय चुनाव में फंसे आरक्षण के पेश को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव को लटकाना चाहती और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भी नहीं देना चाहती है। उन्होंने सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव कराओ और आरक्षण बचाओ को लेकर धरना देगी। यह धरना प्रखंड स्तर होगा। एक महीने के अंदर अगर सरकार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण लागू नहीं करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को डिप्टी सीएम का जवाब। बिहार में नगर निकाय चुनाव में हो रहे आरक्षण पर सियासी घमासान के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संजय जायसवाल पर पलटवार किया है। संजय जायसवाल के उस बयान पर डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने महागठबंधन सरकार को चेतावनी दी थी कि आरक्षण लागू कर एक महीने के अंदर निकाय चुनाव करवाया जाए, नहीं तो भाजपा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ ही बिहार में नगर निकाय चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी आज करेंगे गोपालगंज की सीट के लिए नामांकन। बिहार में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 3 नवंबर को प्रदेश के 2 विधानसभा सीट मुकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होना है। गोपालगंज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। यहां से बसपा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार को ताल ठोकने मैदान में उतार दिया है।
बुधवार को AIMIM ने भी अब्दुल सलाम मुखिया को गोपालगंज से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि 14 अक्टूबर यानी आज उम्मीदवार का नामांकन होगा। पार्टी ने दावा किया है कि गोपालगंज में जीत हमारी होगी, इसके बाद अब इस सीट पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया नामांकन, तेजस्वी ने संभाली कमान। बिहार में होने वाले दो विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर नामांकन जारी है। इस दौरान बीते दिन राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नामांकन किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, महागठबंधन इतनी मजबूत है कि लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज के विकास ही मेरा विजन है, उस विजन पर उपचुनाव लड़ रहा हूं। बिना नाम लिए इशारों में भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 15 साल से गोपालगंज में विकास नहीं दिखा, यहाँ के लोग आज भी परेशान है। राजद प्रत्याशी के नामांकन के बाद से बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने चुनाव की कमान संभाल ली है। कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आएंगे और इस दौरान 4 सभाएं करेंगे। मुकेश सहनी आज से करेंगे आरक्षण को लेकर आंदोलन की शुरुआत। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने आरक्षण को लेकर आज से सड़कों पर उतरेंगे। बीते दिन इसकी घोषणा करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में आरक्षण की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 14 नवंबर से होगी। उन्होंने इसके लिए सभी को एक साथ आने की अपील करते हुए नारा भी दिया कि अति पिछड़ा आरक्षण की हुई हकमारी, सब मिलकर लड़ेंगे भाई। मुकेश सहनी ने कहा कि इसके लिए अति पिछड़ों के नाम एक खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय में सुनाया गया फैसला एक प्रकार से आरक्षण पर सुनाया गया परंपरागत फैसला है, जो अति पिछड़ा वर्ग को दी जा रही संपूर्ण आरक्षण पूर्व वर्तमान भविष्य नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार गांगुली ने तोड़ी अपनी चुप्पी। बीसीसीआई अध्यक्ष पद को लेकर क्रिकेट जगत सहित राजनीतिक गलियारा में भी इसके चर्चे हैं। अब इसको लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर आगामी 18 अक्टूबर को रोजर बिन्नी अपना पदभार संभाल लेंगे। इसके बाद सौरभ गांगुली का बतौर बीसीसीआई प्रेसिडेंट का सफर खत्म हो जाएगा। इस तमाम मुद्दे पर पहली बार उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल को एंजॉय किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि न तो आप बतौर खिलाड़ी हमेशा के लिए खेल सकते हैं और न ही हमेशा के लिए किसी प्रशासनिक पद पर बने रह सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म 1884 में हुआ। भारत के प्रमुख सितार वादकों में से एक निखिल रंजन बैनर्जी का जन्म 1931 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म 1950 में हुआ। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी ऋत्विक भट्टाचार्य का जन्म 1979 में हुआ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर का जन्म 1981 में हुआ। भारत की थम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन 1240 में हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का निधन 1947 में हुआ। राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का निधन 2004 में हुआ। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन धारिया का निधन 2013 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे में निकली वैकेंसी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कई न्यूज वेबसाइट्स की खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि RPF इंडिया ने कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 9500 पदों पर वैकेंसी जारी की है। PIB ने आगे लिखा कि यह खबर फर्जी है। सही जानकारी के लिए RPF की आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाएं। 10,000 से ऊपर के बजट वाले फोन में ही मिलेगी 5G सुविधा। 5G सर्विसेज को लेकर हैंडसेट निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में कंपनियों ने 10,000 रुपए से ऊपर के 4G फोन्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे घटाने का आश्वासन दिया है। कंपनियों ने धीरे धीरे 4G से 5G पर शिफ्ट होने की बात कही है। अधिकारियों ने 5G सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए 3 महीने का टाइम फ्रेम दिया है। वहीं एक सूचना के मुताबिक आने वाले दिनों में हमें 10,000 रुपए से ऊपर के बजट में सिर्फ 5G स्मार्टफोन ही मिलेंगे।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद नौशाद रजा, जगन्नाथ महतो, अर्जुन प्रसाद, राकेश शर्मा, हीरालाल माली, चंदन कुमार, मुचुर रंगीला, शंकर मुखिया, काजल कुमार, गोपाल कुमार यादव, राधेश्याम यादव, शशि पटेल, मृत्युंजय कुमार और उमेश कुमार गुप्ता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में नए विषय जोड़े जाने से आर्थिक तौर पर कमजोर विद्यार्थियों को कितनी मदद मिल पाएगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।